साल को बेटा, ये आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3A रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा बुक एड एक्सेल की बुक X1 है। हिस्टोग्राम्स का सवाल है, हिस्टोग्राम किस तरह प्लॉट होता है वो देखते हैं, और उसका जो पॉलीगॉन है वो किस तरह प्लॉट होता है वो देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरह है कि हिस्टोग्राम जो है, यानी कि जैसे यहाँ पे वाई एक्सिस के ऊपर आ रहा है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, वाई एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आएगी यहाँ पर, और यहाँ पे मास आएगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी डेंसिटी और मास का सवाल है, और ये इस तरह हिस्टोग्राम बन जाएगा। यहाँ पे क्लास इंटरवल होंगे मासेस के, ठीक है। और अगर हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, हिस्टोग्राम का जो हॉरिजॉन्टल है इनको मिड को सबको ज्वाइन कर देंगे आपस में, ये मिड और ये वाला मिड, तो ये सारे पॉलीगॉन बन जाएंगे, ठीक है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अच्छा, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला मेरे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास विथ, ठीक है, क्लास विथ यहाँ सब जगह 5 है, देखो जितने इंटरवल है 5 है, 10 से 15, ठीक है, 15 से 20 25 से 30, क्लास विथ तो सबकी 5 ही है। तो यहाँ पे देखो एक और हम कॉलम बना देंगे यहाँ पे, ये क्या कॉलम बनाएंगे, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी क्या होगी, 4 डिवाइड बाय 5, सबसे पहले क्या होगी 4 डिवाइड बाय 5, तो ये हो जाएगा 0.8, ये 0.8 हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, 12 डिवाइड बाय 5, तो ये हो जाएगा 2.4। अच्छा, फिर क्या हो जाएगा, 23 डिवाइड बाय 5, ये हो जाएगा 4.6, इसी तरह 4.6 ये आ गया, 8 डिवाइड बाय 5 ये होगा 1.6, और 3 डिवाइड बाय 5 ये हो जाएगा 0.6, ठीक है। तो ये सारी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आ गई, ये आ जाएगी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। तो अब हम करेंगे फ्रीक्वेंसी डेंसिटी वर्सेस मास का चार्ट बनाएंगे, हिस्टोग्राम बनाएंगे और फिर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाएंगे। तो अब देखो कैसे बनाएंगे। अच्छा, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी मैक्सिमम 4.6 तक जा रही है, हम यहाँ, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे ये हमने एक बना दिया वाई एक्सिस और यहाँ हमने बना दिया एक्स एक्सिस। अच्छा, अब यहाँ देखो हम यहाँ लिख देंगे 1 2, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 1 2 3। अच्छा, 10 से 15 पे है 0.8, तो यहाँ पे पहले मैं 10 एक्स एक्सिस भी मार्क करूँगा, 10 से लेके 35 तक है, ठीक है, ये 10 से लेके ये 35 तक है, तो मैं 10 से 35 मार्किंग करूँगा, 10 15 5 5 के गैप से 15 20 25 30 35, ठीक है। अभी देखो हमारे पास ये हमारे पास मास बन गए, और ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का एक्सेस आ गया। आप देखो जब 10 से 15 है तो 0.8 है, ठीक है, 10 से 15 पे 0.8 में ये कर दूंगा, ठीक है, और ये हमारे पास वर्टिकल बार बनेगा 15 से 20 पे हो जाएगा 2.4, ठीक है, और इसी तरह 20 से 25 पे 4.6, 20 से 25 पे 4.6, और फिर है 25 से 30 पे 1.6, 25 से 30 पे 1.6, और इसी तरह 30 से 35 पे 0.6, तो एक छोटा सा यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब ये तो हमारे पास हिस्टोग्राम बन गया, और अगर मैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाए तो हम क्या करेंगे, इन सबके मिड को ज्वाइन कर देंगे। ग्रीन में जो है वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है, ठीक है, और जो रेड में है वो हिस्टोग्राम है, ठीक है। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3A ख़त्म हो जाएगा।